What's up guys, welcome back to the reaction video. मोदी जी भारत आ चुके हैं और उन्होंने फिर इसरो साइंटिस्ट के सामने स्पीच दिया है. तो टाइटल में लिखा है पीएम मोदी गेट्स इमोशनल आफ्टर सल्यूटिंग इसरो साइंटिस्ट ऑन द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3. तो वीडियो देखते हैं पूरी. वो भी था बताया था ना मोदी जी ने, और जल्दी मैं ये खुशी आप लोगों के साथ मिलके भी हाँ. तो भाई आई लव इसरो कमेंट जरूर कर देना. बाकी देखते हैं वीडियो. ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हेडलाइंस इंडिया चैनल से. चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक. 1 2 3 गो. आपको दिक्कत ही होगी लेकिन मैं भारत में इमोशनल हो गए यहां पर. आते ही दिख रहे ना, जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था. बहुत बढ़िया. आप सबको सैल्यूट करना चाहता था. सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, क्योंकि इन्होंने देखा था ना वो पिछला टू, सैल्यूट कितने इमोशनल हो, आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को. बहुत आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है. चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है. क्या बात है. जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को क्या नाम है, अब उस पॉइंट को इसरो पॉइंट ऐसा कुछ नहीं, शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा. शिव शक्ति के नाम से. शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता. आप सबने देखा है चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, महिला वैज्ञानिक, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है. उसमें भी याद है मंगल वाले, चंद्रमा का मंगल शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक
और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। बिल्कुल सही बात, मानवता का कल्याण, ह्यूमैनिटी, यही हमारा सुप्रीम कमिटमेंट है। बहुत बहुत ही मैं कहूंगा इमोशनल कर देने वाला स्पीच था, और स्टार्टिंग में मैं फील कर पा रहा था वो चीज, क्योंकि जब हम लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, जब हमारे ही उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि भाई दिल ना टूट जाए अब की बार, और मोदी जी तो ये लगा लो कि 2019 में वहीं पर ही थे, ऑफिस में ही थे, इसरो के, तभी तो सबने ये चीज बोली थी कि चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल हुआ था, लेकिन उसके बाद भी मोदी, मतलब जैसे जो हमारे पीएम है उन्होंने जैसे बैक करके चले ना वो इसरो को, ऐसा नहीं था कि चलो फेल हो गया तो या मतलब अनसक्सेसफुल रहा तो अब ऐसा एक होता है ना कि ठीक है अब कुछ और या ये नहीं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पूरा बैक करा और कॉन्फिडेंस रखा, भरोसा जो होता है, और फिर जब वही चीज जो एक टाइम पे आपकी सक्सेसफुल नहीं और वो सक्सेसफुल होती है और आप हर तरीके से उससे जुड़े होते हैं और देश की शान की बात भी होती है, तो वो इमोशंस दिख रहे थे, वो थोड़ा सा भाषण उनका लड़खड़ा भी रहा था हल्का सा, वो इमोशंस में थोड़ा सा ओलंपिक्स वो लड़खड़ा वर्ड ठीक नहीं होगा, हाँ जो गला तो भारी मन भारी, ये मुझे अच्छा लगता है। जैसे जब लद्दाख में वो वाला इशू हुआ था है ना, तब खुद पहुंच गए थे वहाँ पे, और जब देखा था वो ओलंपिक से जब सारे जो जितने भी थे चैंपियंस बोलूंगी मैं, तो वो वापस आए थे, उनसे पर्सनली मिले, उनसे बात करी, सबसे यहाँ भी पर्सनली आए बात करी, सबको साथ लेके चलना, छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करना, इतने बड़े अवसर पर वो यहाँ पर थे नहीं, वो ऑलरेडी ब्रिक्स मीटिंग में थे, लेकिन उन्होंने कहा था जब वीडियो कॉल पे थे कि जैसे ही आऊंगा सबसे पहले, और उन्होंने बताया ना कि आते ही मिलने गए हैं, और बहुत वो जिस तरह से देखा ना इमोशनल होते हो, वो कहीं ना कहीं मन भारी करने वाला, और वो यार ये चीज देखो कि एक अलग ही रिस्पेक्ट इन्होंने हासिल करी है और वो दिखता है। और भाई ये चीज देखिए इनके अंडर, मतलब इनका जब तक टेन्योर में इतनी चीजें, मतलब कितनी भारत ने हासिल करी है, बहुत चीजें हुई है, और जो एक वर्ल्ड लेवल पे जो अपनी पहचान बनाई है ना, बहुत एकदम बड़ा योगदान है, कहते हैं ना कि हाँ एकदम स्ट्रॉन्ग देश के रूप में जैसे बनाया है, और अभी तो शुरुआत है दोस्तों, बहुत कुछ ही इंडिया को हासिल करना है हर जगह, और बहुत अच्छा था स्पीच में वाली बात कि मानवता के लिए यूज हो टेक्नोलॉजी का हर चीज का, क्योंकि आज हम कर लेते हैं भाई ये देश ये दिक्कत कर रहा है, भाई देखो एंड ऑफ द डे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें इवॉल्व करना है ना, अगर आगे आने वाले टाइम में और अच्छे से लाइफस्टाइल करना है, सर्वाइव करना है, तो हमें मिलकर ही रहना पड़ेगा, अगर हम करेंगे वो चीज की जलने वाली बात है, इस तरह कुछ नहीं होगा, जैसे वाली बात है कोई किसी की घर के सामान चोरी करता है तो उससे किसी का फायदा नहीं होता, चोर पकड़ा तो उसका भी नुकसान है, अगर नहीं पकड़ा था जिसका सामान गया तो उसका नुकसान है, दोनों पार्टियों का हमेशा वो नहीं हो सकता, तो इसलिए मिल बांट के ये काम करना चाहिए। और बाकी इमोशनल करने वाला स्पीच था, उनका जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे ना, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, बाकी हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, बाय, टेक केयर।